दुनिया में सफल होने का सीक्रेट बहुत ही कॉमन है, जिसे फॉलो केवल कुछ ही लोग करते हैं, क्योंकि ये जितना सरल लगता है इसे फॉलो करना उतना ही कठिन है। जब आपकी सुबह की शुरुआत सफल लोगों की तरह होती है तब आप सफल बनते हैं। जब आपकी सुबह की शुरुआत नॉर्मल या फिर असफल लोगों की तरह होती है तब आप असफल बनते हैं या नॉर्मल जिंदगी जीते हैं। जब आपकी हर दिन की शुरुआत टॉपर की तरह होती है तब आप टॉपर बनते हैं। सुबह की 3 घंटे आपका करियर बना या बिगाड़ सकती है। रिसर्च स्टडी में पाया गया है कि दुनिया के 90% लोगों की दिन की शुरुआत अपने ही दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करने और परेशान करने से होती है, जिसके कारण उनका पूरा दिन डिस्ट्रैक्शन और परेशानी में निकल जाता है और उसी के कारण वे कभी सफल नहीं हो पाते, न ही पढ़ाई में और न ही करियर में। दिमाग को सुबह उठते ही पढ़ना सिखाएंगे तो सुबह उठते ही फोकस के साथ पढ़ने लगेगा। डिस्ट्रैक्टेड रहना सिखाएंगे तो हमेशा परेशान और भटका हुआ रहेगा। सुबह उठते ही पढ़ने से आपके पास दिन के 4 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। एक रिसर्च स्टडी में पाया गया है कि आप 5 घंटे फ्लो स्टेट में जितना और जिस क्वालिटी का काम कर सकते हो उतना आप 9 घंटे लगे रहने से भी नहीं कर सकते। 9 घंटे का काम यदि 5 घंटे में हो जाए तो आपके पास 4 घंटे एक्स्ट्रा बच जाते हैं। यदि आप अपने दिन के 4 घंटे बचाना चाहते हैं तो सुबह उठते ही फ्रेश होकर पढ़ना स्टार्ट करें। सबसे पहले पढ़ाई, बाकी सब बाद में। जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो हमारे अंदर इतनी एनर्जी और इतना फोकस होता है, हमारा दिमाग उस स्टेट में होता है कि हम 9 घंटे के काम को 5 घंटे में कर सकते हैं। असली खेल समय का है, किस समय आप क्या करते हैं ये बहुत मायने रखता है। इसलिए टॉपर स्टूडेंट सुबह उठते ही सबसे पहले पढ़ाई करते हैं। आपके लिए 30 मिनट पढ़ना मुश्किल हो सकता है और मैं आपको 3 घंटे पढ़ने बोला हूँ, शुरुआत में आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि आपने अपने दिमाग को इसके लिए ट्रेनिंग नहीं दी है। इसलिए अपने दिमाग को 7 दिन या 21 दिन तक ट्रेनिंग दीजिए। दिमाग को ट्रेनिंग कैसे दे सकते हैं ये जानने के लिए आप मेरा ये वाला वीडियो चैनल पर जाकर देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। अगर आप रात में पूरी प्लानिंग करके सोते हो तो अपने दिमाग को 3 घंटे के लिए हाईली फोकस्ड रहने के लिए ट्रेनिंग दे सकते हो। दुनिया के हाईली सक्सेसफुल लोग सुबह उठते ही सबसे पहले अपने 3 लक्ष्य पूरे करते हैं, उसके बाद ही वे मोबाइल को छूते हैं। मैं भी सुबह उठते ही 3 इम्पोर्टेंट काम करता हूँ, पढ़ना, लिखना और खुद को नेचर के करीब ले जाकर खुद को पूरे दिन के लिए मोटिवेटेड करना। अगर आप खुद को मोटिवेटेड रखना सीख जाते हैं तो आपको किसी मोटिवेशनल वीडियो की जरूरत नहीं होगी और न ही लगातार 3 घंटे पढ़ने के लिए ट्रिक या फिर टिप्स की जरूरत होगी। प्रकृति ने हम सबको हर प्रकार की क्षमता से परिपूर्ण बनाया है। इस प्रकृति में किसी के लिए किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अगर कोई गरीबी में जी रहा है या दिमाग कमजोर है तो उसका कारण है कि उसने अपने दिमाग और अपनी क्षमता का पूरा इस्तेमाल नहीं किया है। अगर कोई अमीरी में जी रहा है तो उसने खुद को उस लायक उस योग्य बनाया है, अपने दिमाग की क्षमता का सही उपयोग किया है। हम सभी के पास पारस पत्थर है। पारस पत्थर का काम होता है किसी भी धातु या लोहे को सोने में बदल देना। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने समय का उपयोग किस तरह से करते हैं, सोने में गुजारते हैं या फिर सोना बनाने में। तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आप सोने में गुजारेंगे या फिर सोना बनाने में। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।